मनीष जी, जो बात है बहती लाशों की, फिर योगी जी का यहीं से काम बताते हैं, तो ये अपने मुंह से अपनी संख्या बता रहे हैं, ये अपने मुंह से, हम लोग नहीं कह रहे कि एक जगह 22 लाशें, 122 लाशें मिली, एक जगह 75 मिली, मैंने सच सच मान ली, ये सब जो है ऐसी थी, 200 हुई। जब ये लाशों की गणना ही कर रहे हैं तो फिर उसी हिसाब से इनको जवाब देना पड़ेगा। 200 लाशें हुई, एक जगह वो बता रहे हैं कि उन्नाव में वहां 200-250 आदमी दफन है, पूरे देश का मीडिया लग के ये 300-400 लाशें ढूंढ पाया। मनीष जी, हमारे आपके जितने दर्शक हैं आप तो जानते होंगे कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जिसको जैसे सांप काट लेता है उसको जलाया नहीं नहीं जाता जाता है, है। सर्पदंश से उस आदमी होते उसके पानी में उसके किया जाता है। बहुत से लोग कुमारी कन्या नहीं जलाते हैं, कुछ लोगों के छोटे यहाँ है कि बच्चों वो को, छोटे बच्चों का होता है, तो एक रहा। और ये लाशें गंगा, इसीलिए देखिए सारी लाशें गंगा में मिल रही है, कोई लाश आपको घाघरा में और यमुना में यहाँ वहां नहीं मिल रही है, क्योंकि वो गंगा में ही प्रवाहित। और ये 365 दिन का काम है, उनको कभी भी आप रोक के कोई भी शिगुफा खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ सच है, तो ये संख्या 400-500 तो हो रही है ना। उत्तर प्रदेश में 17,000 मरे, आप इसको जोड़ लीजिए, 17,500 हो जाएगी संख्या, इससे ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि तो सब गिद्ध की तरह लगे हुए हैं, पुलिस लगी है और मीडिया वाले, तो मेरे ख्याल से शमशान हो गंगा, इसके अलावा कोई काम ही नहीं रह गया इनको। तो कुछ अभी काम ही पांच नहीं ही रह सौ गया। तो अभी 500 तो संख्या है ना, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये एक शिगुफा बना, जैसे हमने आपके कार्यक्रम आए आप बताते थे कि रात में जलती हुई चिता दिखाना उससे थोड़ा डरावना हो जाता है, वैसे ये डरावना करके कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि इस तरह की चीजों की, जैसे थोड़ा विशेषज्ञ को बताऊं आपको, जैसे हॉरर फिल्म होती है मनीष जी, तो हॉरर फिल्म के लिए एक चीज कही जाती है कि उसकी रिपीट वैल्यू नहीं होती। जैसे कोई अगर पिक्चर आपको बहुत अच्छी से आनंद, एक पिक्चर है राजेश खन्ना की, मैं उसको कम से कम 15-16 बार 20 बार देख चुका हूँ, मेरी पसंदीदा फिल्म बिल्कुल है बिल्कुल, मैंने ना। भी लेकिन देखी कोई है कई बार। गाइड है, लेकिन आनंद वो है। हाँ ये फिल्में हैं, इनको आप चाहे जय जय बार देख सकते हैं, बिल्कुल लेकिन जो बिल्कुल, जो हॉरर फिल्म होती है उसको दोबारा आप नहीं देखते, नहीं देखते, क्योंकि उसका क्लाइमेक्स आप जान जाते हैं, और जान उसका जाते हैं। क्लाइमेक्स बहुत सही बात, उसका क्लाइमेक्स खत्म हो, उसके बाद उसकी दो कौड़ी की हो जाती, कोई आदमी हॉरर फिल्म कभी दोबारा नहीं देखता। तो ये जो दिखा रहे हैं चैनल, न्यूज चैनल नेता आपको, ये आपको हॉरर फिल्म दिखा रहे हैं जिसकी रिपीट वैल्यू ये कतई नहीं, ये 2 महीने 1.5 महीने बाद ये कूड़ा करकट हो जाएगी। और माननीय योगी और नरेंद्र मोदी जो है वो आनंद और गाइड ऐसी फिल्में हैं, वो हमेशा देखी जाएंगी, तो ये आप समझ लीजिए। अब आपको आता हूँ कि योगी जी क्यों लौटेंगे। मनीष जी, सबसे पहले कृषि पे आ जाएं, कृषि प्रधान देश है हमारा, और उत्तर प्रदेश उनमें सबसे प्रमुख है। मूल अंतर आप समझ लीजिए कि योगी जी ने जमीन पे क्या किया है। 2012 में सपा समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें मनीष जी इन्होंने घोषणा की थी कि हम किसानों के कर्जा माफ कर देंगे, जैसे राहुल गांधी करता है वैसे ही अखिलेश यादव ने भी की थी, इनके घोषणा पत्र अगर मिल जाएगा 2012 का तो ढूंढिएगा। और जब सरकार बन गई तो इन्होंने कहा कि हम कर्जा सब थोड़ी माफ करेंगे, वो तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का भूमि विकास बैंक है वो कर्जा माफ करेंगे। तो इन्होंने 1400 करोड़ रुपए भूमि विकास बैंक के माफ किए, तो किसान गाली देता रहा इनको, ये इनका सफाया हुआ क्यों हुआ था। योगी जी भाई, ये तो मुख्यमंत्री भी घोषित नहीं थे, लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र में था कि हम कर्ज माफ करेंगे माफ करेंगे। लघु और सीमांत किसानों का। और मनीष जी, जो पहली कैबिनेट थी शपथ लेने के 15-20 दिन बाद, उसमें 32 या 33 हजार करोड़ रुपए इन्होंने कह के 1400 करोड़ किया था, मतलब तो बेवकूफ बनाया था, 32-33 हजार करोड़, करीब 80 लाख किसानों को माफ किया था। और वो माफ किया था क्योंकि वो माफ देखिए कह देने से, जैसे राहुल गांधी क्या हुआ, राहुल गांधी ने कह दिया कर दो कर दो कर दो, वो बैंकों का कर्जा होता है, जब तक आप बैंकों को पैसा नहीं देते हैं तब तक वो कर्ज माफ नहीं होता है, नहीं, जब तक आप वो बैंकों को पैसा ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो योगी जी ने 32-33 हजार करोड़ रुपए जो मैनेज किया इकोनॉमी को, वो बैंकों तक पहुंचा और उन किसानों को राहत मिली। आपको आज की तारीख में ऐसा कोई किसान नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में, मिल जाता तो खैराती मीडिया तो पकड़ लाता ना कि देखिए साहब इनका नहीं हुआ, सबका हुआ, 32-33 हजार करोड़ रुपए बैंकों को दिए गए। तो एक तो ये अंतर है, उसके अलावा इसका फर्क क्या है मनीष जी, अखिलेश यादव ने अपने पूरे 5 साल में, जिसके लिए किसान बैठे हैं टिकरी बॉर्डर पे नाटक कर रहे हैं, किसान कहते सब नकली किसान है, पूरे
पांच साल में उन्होंने 103 लाख टन 103.75 लाख टन धान खरीदा था एमएसपी पे किसानों से पांच साल में। योगी आदित्यनाथ ने चार साल में, अभी एक साल बाकी है, चार साल में 180.60 लाख टन धान खरीदा किसानों से एमएसपी पे। अंतर समझ रहे हैं आप, किसानों को राहत दी है। इन्होंने अपने पांच साल में अखिलेश यादव ने 94 लाख टन गेहूं किसानों से एमएसपी पे खरीदा था पांच साल में। योगी जी ने 163 लाख टन 163.50 मतलब मुझे वही 163.50 लाख टन गेहूं चार साल में खरीदा है। ये अंतर आप समझिए कि करीब 117% धान ज्यादा खरीद, 117% दुगने से ज्यादा धान खरीदा है और 122% गेहूं खरीदा है। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान यही दो मुख्य फसलें हैं। गन्ने तीसरा है गन्ना। तो गन्ने का पिछले चार साल के अंदर जितना भुगतान किसानों को दिया गया वो आजादी के बाद से कभी हुआ ही नहीं, चार साल इतना ज्यादा भुगतान। तो ये तो योगी जी की ठोस जमीनी काम। उसके बाद आ जाइए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उत्तर प्रदेश में कोई सोच नहीं सकता था, इतना तबाह बर्बाद था। और 17 में 2019 में दूसरा रैंक था हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश से आगे केवल आंध्र प्रदेश था मनीष जी, मतलब तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों को दो साल में योगी आदित्यनाथ ने पीछे किया है। तो ये कोई बतकही से थोड़ी होता है, हर राज्य अपनी रैंकिंग के लिए लड़ता है। आपको वहां तक स्थिति प्रस्तुत करने पड़ते हैं तब वो रैंकिंग आपको मिलती है। तो आंध्र प्रदेश के बाद नंबर दो को उत्तर प्रदेश, जिसका कहीं पहले आता पता नहीं रहता था, वहां बिजनेस करना कोई आता ही नहीं था बिल्कुल। तो आपको आर्थिक और कृषि ये दो पहलू तो बता दिए, और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है कानून व्यवस्था। ये छोड़ दीजिए एनकाउंटर फिर काउंटर, ये जो आंकड़े आते हैं कि इतने अपहरण, इतने लूट, इतनी डकैती, मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे ख्याल से आपके दर्शकों में जो उत्तर प्रदेश के लोग सुन रहे होंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे। मनीष जी, संगठित अपराध जिसे कहते हैं माफिया, वो खत्म कर दिया, शून्य हो, खत्म कर। बिल्कुल, मैं नोएडा में रहता हूं, मैं महसूस करता हूं, कर चुका हूं इस चीज को। मैं आपको लखनऊ की बताता हूं, पिछले 40 सालों से, चार दशकों से, मतलब चार दशक क्या और उससे पहले 76-77 से उत्तर प्रदेश में हमेशा दो माफिया सरगना जरूर होते थे। आप कभी लखनऊ आएंगे तो बीच में गोमती बहती है, एक पहलू है जहां हम लोग रहते हैं, और एक ट्रांस गोमती कहलाता है, गोमती के उस पार। तो एक माफिया सरगना गोमती के इधर होता था, एक माफिया सरगना ट्रांस गोमती होता था, और उनकी समानांतर सरकार चलती थी राजधानी के अंदर, किसी की सरकार हो। इवन देन भाजपा की भी जब सरकार रही है तो उनके सत्ता में कोई असर कभी पड़ा नहीं। यानी बच्चे के, आप लखनऊ के जो कॉन्वेंट स्कूल, मिशनरी के स्कूल में जो बड़े बड़े लोगों को भगा देते थे, उन माफियाओं की सिगरेट की डिब्बी लिख के वो भेज देते थे तो एडमिशन वो करते थे, ये दहशत होती थी उनकी। रेलवे का रिजर्वेशन आपको चाहिए हो, और जो रेलवे के और सरकारी ठेके हैं उस पर गोलियां चलती थी, खूनी, मतलब हर साल 10-20-25 हत्या होती थी, और एक वो था वसूली, अपहरण, सब कुछ था। और वो एक उनका पैरेलल गवर्नमेंट थी, वो माफिया सरकार जो है, यहाँ मैंने 40 साल चलते देखी है। और उसमें भी तीसरा अंग आ गया था पूर्वांचल के बाद में, 90 के बाद पूर्वांचल के माफिया आने लगे, ये मुख्तार, अतीक, जिनके आप नाम सुन रहे हैं, ये सब लखनऊ में ही मंडराते थे। तो इनका एक अलग तीसरा एंगल चला करता था, ये ठेके पट्टों में रहते थे, ज्यादा पब्लिक में नहीं घुसते थे। आज की तारीख में लखनऊ के आपका कोई परिचित आदमी फोन करके पूछ लीजिए कि भैया इस समय कौन माफिया है लखनऊ का, पिछले चार साल से माफिया नाम की चिड़िया नहीं है, चिड़िया नहीं। और दो चार शहरों में जहां इस तरह के माफिया होते हैं, तो मैं अपने मित्रों से बात करता रहता हूं, तो कह दीजिए इस समय माफिया आफिया कोई नहीं, सब अपनी जान बचाने के लिए घूम रहे हैं। अभी जो परसों नरसों मारे गए हैं वो मिराज और मुकीम, तो मिराज तो यहाँ लखनऊ में घूमता था, मुख्तार का बिल्कुल राइट हैंड था वो, उसका था 2500 या 2525 इस तरह के नंबर उसकी गाड़ी, मतलब वो एक ही नंबर गाड़ी रखता था चाहे जितनी गाड़ियां हो। ये वो मुकीम था, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय था। तो बड़े बड़े जो माफिया जिनका समानांतर सत्ता चलती थी वो खत्म हो गए, उनको बिल्कुल योगी जी ने नेस्तनाभूत कर दिया है। और ऐसा तो नहीं उनमें से कुछ बहुत से होंगे जो भाजपा से भी जुड़े रहे होंगे, लेकिन कोई भेदभाव भाई भाजपा जुड़े होते तो उनका तो आतंक नजर आता, लेकिन कहीं कोई सवाल ही नहीं पड़ता। दूर दूर तक
तो उसकी जो राहत मिली है वो इन लोगों, ये कहें ना कहें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो राहत मिली उसके आम आदमी को मिली, क्योंकि वो माफी माफिया होते थे, फिर उनके गुर्गे होते थे, फिर उनके गुर्गे के गुर्गे होते थे, वो छोटे लोगों को कोई किसी का मकान कब्जा किए ले रहा है, कोई किसी की जमीन कब्जा किए ले रहा है, मतलब आफत थी। अब किसी की दुकान है तो इसमें हर महीने इतनी वसूली लाओ, तो वो काम पिछले 4 साल में खत्म हो चुका। और मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, कोई बताए उत्तर प्रदेश में कि किसी शहर के कोई बताए कि साहब इस शहर में इस माफिया का बड़ा सिक्का चल रहा है, जिसका नाम ले लेगा वो माफिया मारेगा आके घर में आके, साले मेरा नाम तुमने क्यों ले लिया, ये दहशत है। तो ये मैंने तीन तीन पैमाने बताए, बाकी तो बहुत काम है। तो अभी यह है कि इस समय कोरोना काल चल रहा है और ये लोग नंगा नाच कर रहे हैं, मीडिया तो बिल्कुल क्या कहूँ उसको, और इन नेताओं नेताओं की कोई, अखिलेश यादव तो इसी में बड़े खुश है ना, उनका बयान आया है कि अब तो योगी नोएडा चले गए, अब इसका परिणाम मिलेगा। वो है ना कि वो 2017 में भी इन्होंने कहा, 2017 में भी, आपके दर्शकों को बता दूं 2017 में वो कौन सी ब्लू लाइन कौन सी लाइन जो चली थी मेट्रो, उसका जब उद्घाटन हुआ था तो योगी जी ने किया था, वो प्रधानमंत्री ने किया था, योगी उसी में सबसे पहले नोएडा, हाँ योगी सबसे पहले उसी में गए थे, तो नोएडा तभी गए थे पहली बार। तब अखिलेश यादव ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब तो परिणाम देखने को मिलेगा योगी जी का, और परिणाम तो मोदी जी को भी मिलेगा। 2017 में कहा था परिणाम मिला, 2019 में ज्यादा सीटें जीत के आए, ये परिणाम मिला। तो ये इन लोगों के सोचने से पूछने से कुछ नहीं होना, निश्चिंत रहिए। बस ये है कि आप लोग भी बोलिए, नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे तब बोलेंगे, आप भी बोलिए।